loved it. It's a beautiful campaign. It's a beautiful ad. And all thanks to Gillette for promoting this campaign and ensuring this whole world knows about Jyoti and Naya. Their story is beautiful and very encouraging. In fact, it's a great movement. It's an empowerment for all the girls to think beyond stereotypes. And this is what the world should be doing this. This is should be the thought process. And bahut hi beautiful campaign hai, bahut hi beautiful ad hai. In fact, maine jitne jo hamare hairdressing group hai, jinko bhi maine wo campaign share kiya, jo ad kiya, they were feeling so, they were taking so much of pride in them. कि इस तरह की लड़कियों को जिनका एनकरेज करना चाहिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की वो ऐड और सबको इतना अच्छा लगा आप दोनों जिस तरह से आप कर रहे हो इट वाज वेरी इमोशनल आल्सो इनफैक्ट जिनकी लड़कियां हैं वो खुद चाहेंगे कि उनको इस फील्ड में डाला जाए और ब्लेड को हाथ मिले और जिस तरह से आप कर रहे हो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरा भी शेव करोगे तो बहुत अच्छा है मान ये 5 साल पहले हम सोचे थे नहीं कि मतलब हमसे इतना बड़े बड़े लोग से मुलाकात होगी सोचा कि पिताजी को नाम ऊंचा करेंगे हमने ठान लिया था कि हम काम करेंगे तो करेंगे हमने ये नहीं सोचा कि लड़की एक लड़के जेंट्स पार्लर चलाएंगे तो चलाएंगे सोच लिए थे गाँव वाले पहले तो बहुत गलत सोचे थे जी लड़के जैसे वो कपड़े पहनते थे छोटा छोटा बाल रखते थे और अपना काम करने थे कि हमारे प्रोफेशन में मोस्टली ये होता है कि यू नो स्पेशली बाबर्स ये लड़कियां नहीं होती लड़के होते हैं और माँ बाप बहुत यू नो जो लड़कियां इस प्रोफेशन में जाती हैं या करना चाहती हैं उसको बहुत नीचा देखते हैं और सोचते हैं कि इनकी अगर ये काम करेगी तो यू नो जैसे इन्होंने भी कहा कि इनको काफ़ी कठिनाइयाँ पेश करनी आई इनको पहले अपने छोटे बाल करने पड़े और यू नो ऐसा दिखाना पड़ा कि वो लड़के हैं एम आई राइट ऐसा 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 करना पड़ा आपको तो मैं यही अपने लोगों से विनती चाहूँगा कि यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको लड़के की वेशभूषा पहननी हो यू नो वी शुड एनकरेज ईच एंड एवरी girl child you know to be what they want to be to dress up the way they want to be and be a barber they don't have to dress up like a boy or you know or darke apni dressing change ki jaye ye hum sabko as a indian ye duniya mein sabko support karna chahiye har ek ladki ko ki aap koi bhi profession kar rahe ho aapko jo pehnna hai jaise rehna hai aap reh sako aapko puri freedom honi chahiye well you know we always end up too many steps far ahead when it comes to this stuff they have made a movie which is what I watched and got very moved by you know it doesn't necessarily have to be a feature film it's a short film it's very very effective Gillette has done a wonderful job of presenting their story with the right emotion behind it and the right messaging behind it and that is what is important it's not important whether it's a feature it's a tvc it's a short film it doesn't matter communication is important and what the messaging is what is important lekin dare the aap ki kya tha matlab jab blade aapne haath mein liya ki blade bahut risky cheez hoti hai to kisi ki jaan bhi ja sakti hai sir ka bahut handsome bhi lag sakte hai ab nervous banane mein to thoda ma kata tha fir baad mein fir dheere dheere sahi ho gaya haath bhi saaf ho gaya shave hone ke baad log handsome lagne lage aapko kaisa laga ekdam handsome मैं इन दो सितारों को अपनी आंखों से देख सकूं जो काम इन्होंने किया है जिस विलेज से वो आते हैं बनवारी तोला जो है वहां पर जो इन्होंने किया है जो उनके फादर ने किया है जो बाकी जो वहां के विलेजर्स हैं मर्द औरतें सारे जो मिलकर उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि लड़का कर सकता है या लड़की कर सकती है हुनर की बात होती है और अगर आप में हुनर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लड़की हो या लड़का हो और ये इन दोनों लड़कियों ने बहुत अच्छी तरीके से साबित किया है तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको और मैं आपको बहुत मतलब तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ आई रियली सल्यूट यू बोथ ऑफ यू आप दोनों को बहुत बड़ा सल्यूट है टू रन ए बाबर शॉप इन स्मॉल यूपी विलेज विच इज बनवारी तोला एंड आई एम रियली हैप्पी एंड रियली ग्लैड एंड ऑनर्ड टू शेयर द स्टेज विद बोथ ऑफ यू हमें बहुत खुशी हो रही है आप दोनों के साथ स्टेज शेयर करने के लिए फरहान सर को मुझे हम सबको इनफैक्ट जो यहाँ पर जितने लोग भी हैं जो हम सबको आज शूट कर रहे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं उनको भी बहुत प्राउड फील हो रहा होगा क्योंकि जिस तरह से फरहान सर ने कहा कि ब्लेड को नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है तो ये बहुत चीज़ मायने रखता है जब क्योंकि ब्लेड से किसी की जान भी जा सकती है और किसी को आप खूबसूरत भी बना सकते हो जैसे अभी कितने क्लीन शेव और हैंडसम लग रहे हैं फरहान सर सो ये ब्लेड की कला है तो ये बहुत हैंडसम लग रहे हैं हम भी हैंडसम लग रहे हैं तो जो